केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना आखिरी बजट पेश कर दिया। मोदी के कार्यकाल का दूसरे कार्यकाल का आखिरी ये बजट था, लेकिन इसमें कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़े ऐलान होंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आया क्योंकि ये अंतरिम बजट था। लेकिन इस बजट से भी लोग खासी उम्मीद लगाकर बैठे थे। आयकर के स्लैब में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कई बड़े संकेत जरूर दिए। आज जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें संकेत इस बात को लेकर दिए कि विकसित भारत की तरफ जो है देश बढ़ रहा है। क्या लग रहा है आपको अंतिम बजट में, क्या उम्मीदें थी आपको और क्या वाकई में देश आगे बढ़ रहा है? देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में निश्चित रूप से काम हो रहा है, लेकिन जहाँ तक हम सभी लोगों की बात है, हमारे अधिकतर केंद्रीय कर्मचारियों को जो कि स्पेशली 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, ये उम्मीद थी कि बजट के माध्यम से विनाशकारी NPS को खत्म करके पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम की तर्ज पे कोई योजना लाने की घोषणा की जाएगी, लेकिन हमें काफी निराशा मिली है कि इस मामले में कोई भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो तमाम बातें कही गई कि समावेशी विकास होगा, आर्थिक रूप से विकसित होगा भारत, आपको लगता है कि वाकई में भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, क्योंकि मैं कर्मचारी संगठन से जुड़ा हुआ और मैं बहुत दृढ़तापूर्वक मेरा विश्वास है कि जब सरकारी कर्मचारी खुश होता है तो किसी भी देश का विकास निश्चित होता है। और दो तरीके से मैं इस बजट को देखता हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते, एक सरकारी सेवक होने के नाते। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की कोई घोषणा होगी, इसको लेकर हम बहुत आशान्वित थे, वो बिल्कुल नहीं हुई है। और आम नागरिक की तरह अगर मैं सोचूं, टैक्स स्लैब जो बढ़ाने की बात की जा रही थी उसमें कोई बात नहीं हुई है, और जो धारा 83 जो होती है उसमें छूट की सीमा बढ़ाने की आशा कर रहे थे वो नहीं हुआ है निश्चित तौर पर। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, चूंकि ये 4 महीने का ही बजट है, जो सरकार भविष्य में जो पूर्ण बजट लाएगी उसमें हम इन सब बातों पर वो जरूर ध्यान देंगे। बिल्कुल, आने वाले बजट पर नजर होगी। लेकिन जो तमाम उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि अंतरिम बजट में भी लोकसभा चुनाव की झलक नजर आएगी और आम लोगों के लिए कुछ बड़े ऐलान होंगे, आप भी इस इंतजार में थे क्या? बिल्कुल, हम भी इस इंतजार में थे, लेकिन चूंकि क्या है कि ये सरकार का आखिरी बजट है और अंतरिम बजट है, तो हम लोग बहुत ज्यादा इससे उम्मीद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी आने वाले समय में हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि सरकार जो भी अगली बजट पेश करेगी, जो भी नई सरकार आएगी, उसमें हम सारे सरकारी कर्मियों के जो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे वो जरूर। एक आम आदमी के नजरिए से आपको क्या नजर आता है कि क्या उम्मीद थी और क्या जो दावे किए गए, जो वायदे पहले किए गए थे वो वाकई में पूरे हो पाए? चूंकि ये अंतरिम बजट था, ऐसा कोई भी नया वादा नहीं किया गया और ना कोई लोक लुभावन। लेकिन जो आज झलक दिखाई गई कि हमने इतने आवास बनाने का काम किया, आयुष्मान का दायरा बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, किसानों के सरकार ने कदम उठाए, महिला सशक्तिकरण की बात की गई, महिलाओं को लखपति बनाए जाने की बात कही जा रही है, हमने घोषणाएं अच्छी की गई है। हम इतना विश्वास रखते हैं कि चूंकि अंतरिम बजट के बाद जब मुख्य बजट आएगा तो इन बातों का समावेश होगा। और लेकिन ये उम्मीद है कि मुख्य बजट जो अब होगा जुलाई में वो भी बीजेपी की सरकार के द्वारा ही पेश होगा। ये तो क्योंकि बताया ना हमने कि ये अंतरिम बजट है, जो भी नई सरकार, आएगी, अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार आती है तो हमें विश्वास है कि वो करेगी, अगर मान लीजिए कोई नई सरकार आती है तो भी चूंकि पूर्व सरकार ने वादे किए हैं ये उस पर कुछ ना कोई विचार अवश्य करेगी, इसका विश्वास है। आज जो बजट पेश हुआ, आम आदमी के नजरिए से क्या नजर आता है आपको? सर, कोई खास नजर नहीं आता है, कोई उपलब्धि नहीं इस तरह से। तो जो सीतारमन जी है, डाउन टू अर्थ नहीं है, वो अपने निश्चित लोगों की समस्या समझती नहीं है। या क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए था? नहीं, ये गलत हुआ है, कोई सही नहीं आई है। क्या आयकर का स्लैब, हाँ, कर्मचारियों का नजरिए बड़ी उम्मीद थी। ठीक है सर, बिल्कुल, तो कई तरह की उम्मीदें इस बजट से लगाकर लोग बैठे थे, लेकिन ये अंतरिम बजट है और इसके जरिए बीजेपी सरकार ने बताने की कोशिश की कि बीते 5 सालों में, बीते 10 सालों में किस तरीके से देश का विकास हुआ है, और जुलाई में जब बजट पेश होगा, जो नई सरकार बजट पेश करेगी, उसका इंतजार अब लोगों को होगा। तो भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।